हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंड एंड स्टॉक्स वंस अगेन टुडे। देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील धमाकेदार रिजल्ट्स पेश करे हैं कल 21 तारीख को इन्होंने, और साथ ही में रिजल्ट्स के साथ में चार बड़े धमाके मैं आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। साथ ही में अगर आज का यानी कि 22 में है आज, अगर आज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाएगा इस कंपनी के अंदर। यानी कि ऑल ओवर ये एक ऐसा स्टॉक है जो अब रॉकेट बनने जा रहा है और इसको कोई नहीं रोक सकता। स्टील सेक्टर की कंपनी है, देखिए बहुत बड़े नामी गिरामी ग्रुप से ये आती है, जेएसडब्ल्यू स्टील यानी कि जिंदल ग्रुप की ये कंपनी है। यहां पर क्या हुआ था स्टील सेक्टर के अंदर, अभी आपको सुनने में मिला होगा कि चाइना की वजह से स्टील स्टॉक्स जबरदस्त करेक्शन के अंदर आ गए थे कुछ दिनों के अंदर ही। जबकि देखिए, स्टील बहुत लंबे टाइम से काफी अच्छे मूव्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा था स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन जब तक हमारे बेसिकली एक्सपोर्ट के ऊपर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी का वेपन हमने लगा रखा है, तब तक हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल चाइना में उनके डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेके अपने स्टील प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करी, और वो न्यूज जब मार्केट में आई तब देखिए सारे ग्लोबल स्टील सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पर एक प्राइस क्रैश देखा गया। क्यों? क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। वो जो करेक्शन आया था देखिए वो न्यूज बेस्ड था, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो इंडिया में बहुत अच्छी सिचुएशन है। यहां पर स्टील कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट बेसिकली काफी हद तक यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिससे कि एक्सपोर्ट के अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में भी आपको ये चीज जारी रहती हुई दिखाई देगी। अब जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनी जो बहुत अच्छे तरीके से साउंड फॉर्म में एक्विजिशंस कर रही है, एक्सपेंशंस कर रही है, उसने यहां पर रिजल्ट के दौरान कुछ बड़े ऐलान किए हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूं, और शायद वो बेसिकली जो अनाउंसमेंट्स हैं इस स्टॉक को 3 डिजिट से 4 डिजिट तक ले जाने में पूरे सक्षम है। तो ध्यान से देखिएगा, अगला मल्टी बैगर भी ये स्टॉक बन सकता है। केवल और केवल जो एक प्रॉब्लम थी इस स्टॉक के साथ में कि यहां पर काफी ज्यादा प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, साथ ही में डेट है, उसको भी कंपनी ने काफी हद तक कर्व करने की कोशिश करी है, यानी कि उसके ऊपर भी लगाम लगाने की कोशिश करी और धीरे धीरे उसको भी मैनेज करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको नोटिफिकेशन के साथ में यहां पर शुरुआत कर रहा हूं, एक के बाद एक चार बड़े धमाके इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूं जो जेएसडब्ल्यू स्टील ने अनाउंस किए हैं कल के रिजल्ट्स में। देखिए, थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे, क्रॉस सेल्स 23,993 करोड़ की, Q1Q Y1Y दोनों ही जगह से अगर आप देखेंगे बहुत शानदार तेजी। साथ ही में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने का, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 242 करोड़ था, कब? मार्च 2020 में। 242 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 4000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। आप सोचिए कितना ज्यादा प्रॉफिट इनका हो गया है, कहां 222 करोड़ का प्रॉफिट, कहां 242 करोड़ का प्रॉफिट और कहां ये 4000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तो धमाका इन्होंने मचाया है, साथ ही में अगर आप क्वार्टरली भी देखेंगे, मतलब Q1Q के बेसिस पर भी देखेंगे, तो दिसंबर क्वार्टर में 2829 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके अंदर भी यहां पर 35-40% का जंप लगाते हुए 4000 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट इनका हो गया है। यह है सबसे पहली बात जो यहां पर देखिए बहुत इंपैक्ट डालेगी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अगला देखिए नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं जो कि है डिविडेंड का, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड यहां पर इसके अंदर दी गई है। एक क्वेश्चन मेरे पास में आ रहा है कि सर आप बहुत सारे स्टॉक प्राइसेस के बारे में बता रहे हैं कि वो डिविडेंड दे रहे हैं और आप नोटिफिकेशंस भी दिखा रहे हैं, लेकिन डेट उनकी नहीं मालूम चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए एक होता है नोटिफिकेशन जिसके अंदर कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस करती है और अपकमिंग इवेंट्स क्या हो सकते हैं वो अनाउंस करती है, साथ ही में रिकमेंडेशन देती है, लेकिन उस रिकमेंडेशन के ऊपर अप्रूवल आता है शेयर होल्डिंग मीटिंग में, जब शेयर होल्डर्स उसके ऊपर अप्रूवल दे देते हैं। और जनरली हर कंपनी की AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग अब होने वाली है आने वाले मंथ्स में, वहां पर रिकॉर्ड डेट का सारा ब्यौरा आपके सामने आता हुआ दिखाई देगा। ज्यादातर हर कंपनी के साथ में यही सिचुएशन है, इसीलिए रिकॉर्ड डेट मैंने उस वक्त नहीं बताई, क्योंकि देखिए जब रिजल्ट आ रहा है मैं आपको वीडियो तब बना के दे रहा हूं, तब तक उनकी AGM के बारे में सिर्फ डेट्स आती हैं, रिकॉर्ड डेट का कोई भी डिटेल्स नहीं होती। तो रिकॉर्ड डेट देखिए जब भी आ जाएगी मैं डेफिनेटली आपके सामने वो भी शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम अपने चैनल के ऊपर। तो यहां पर कंपनी ने क्या रिकमेंड किया है, फाइनल डिविडेंड ऑफ 6.50 रुपीज, 6.50 रुपीज, 6.50 रुपए का डिविडेंड यहां पर अनाउंस किया है,
ऑन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ रुपी वन ईच एट द ईयर एंड ऑफ 31 मार्च 2021। ये है देखिए सेकंड बिग न्यूज जो यहां पर कंपनी ने अनाउंस करी है। उसके बाद थर्ड न्यूज के ऊपर चलते हैं। कंपनी फंड रेज करना चाह रही है और बहुत बड़े अमाउंट में यहां पर फंड रेजिंग की प्लानिंग चल रही है, जिसके अंदर आप देखिए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से एनसीडी से यहां पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। देखिए यहां पर फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स विद वॉरेंट्स विच आर कन्वर्टिबल इनटू और एक्सचेंजेबल विद इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ₹1 ईच एट अ लेटर डेट फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 7,000 करोड़ रुपीज। 7,000 करोड़ रुपए के यहां पर एनसीडी से जुटाने का अनुमान है। साथ ही में इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 7,000 करोड़ रुपीज, यानी कि 7,000 करोड़ रुपए का यहां पर जुटाने का अनुमान है, फंड रेस करने का अनुमान है, क्योंकि कंपनी अपनी फैसिलिटीज को एक्सपेंड करने जा रही है, एक्विजिशंस और ज्यादा करने जा रही है। ये है थर्ड बिग नोटिफिकेशंस। अब फोर्थ नोटिफिकेशन में आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए क्या है कि कंपनी एक राइट्स इश्यू भी लेके आ रही है 5,000 करोड़ का। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए 5,000 करोड़ का एक यहां पर राइट इश्यू भी लेके आया जा रहा है। तो ये है चौथा बड़ा नोटिफिकेशन। तो टोटल ऑल ओवर अगर आप देखें तो 7,000 करोड़ इक्विटी शेयर, 7,000 करोड़ एनसीडी से और 5,000 करोड़ राइट्स इश्यू से, यानी कि टोटल 19,000 करोड़ यहां पर जुटाने की पूरी कंपनी की प्लानिंग है और वो आने वाले टाइम में आपको एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो अमाउंट है ये देखिए एक्सपेंशन में बहुत हद तक काम आने वाला है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। अब आज की बात मैं करता हूं 22 मई 2021 की ही अगर आप देखेंगे तो यहां पर तीन लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको दिखाई दे जाएंगी। उसके अंदर प्रमोटर्स ने अपने प्लेज शेयर्स को छुड़ाया है। देखिए यहां पे क्या है, कंपनी के अगर आप प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो यहां पर यह चीज दिखाई देगी। देखिए कंपनी के अंदर काफी सारे प्रमोटर्स हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021 का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसके अंदर ये इंडिविजुअल प्रमोटर्स हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये हैं अलग ग्रुप कंपनीज जिन्होंने इस कंपनी के अंदर होल्डिंग ले रखी है, यानी कि ये भी प्रोमोटर्स ही हैं। इसके अंदर अगर आप देखें जेएसडब्ल्यू टेक्नो प्रोजेक्ट्स, जिनके पास में तकरीबन 10.94% की होल्डिंग है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे विविध फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास में 5.93% की होल्डिंग है। और देखिए तीसरे हैं जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, जिनके पास में अप्रोक्सीमेटली 7.50% की होल्डिंग्स है। और इन सभी की होल्डिंग्स देखें तो उसके सामने 18.17 ये जो लिखा है, देखिए ये कॉलम है नंबर ऑफ शेयर्स प्लेस्ड और अदरवाइज इनकम्बर्ड, यानी कि इन प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स का टोटल इतना परसेंट गिरवी रखा हुआ है, प्लेज रखा हुआ है। तो इसी के रिगार्ड में तीन नोटिफिकेशन आए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे यहां पर कि जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स ने अप्रोक्सीमेटली 9,00,000 शेयर्स को छुड़ाया है। उसके बाद में जेएसडब्ल्यू टेक्नो प्रोजेक्ट्स ने लगभग 1,12,000 शेयर्स को छुड़ाया है। और उसके बाद में विविध इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड जो हमने अभी देखा था, उन्होंने तकरीबन 3,00,000 शेयर्स को यहां पर रिलीज कराया। इवेंट है रिलीज, यानी कि अपने प्लेज शेयर्स को रिलीज करवाया है। यह भी अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो आने वाले टाइम में आपको इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहां पर चार्ट्स के ऊपर देखते हैं किस तरीके की फॉर्मेशन हुई हुई है। पास्ट फ्राइडे को कैसा यहां पर बेसिकली कामकाज हुआ वो एक्चुअली मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि एनएससी की वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यहां अगर आप देखें इसने पीक बनाया 772 रुपए का 10 मई 2021 को, और वहां से लगातार हमें गिरावट देखने को मिली जो मैंने आपको बताया था चाइना फैक्टर की न्यूज की वजह से। लेकिन एक बेस इसने यहां पर बनाया है और ये पिछले दो दिन से यहां पर बहुत अच्छी तरह सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर देखिए ये जो लेवल्स हैं बेसिकली ये 690 रुपीज के आसपास के लेवल्स हैं, और यहां से पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो ये नीचे जरूर आया है अपने ओवरबॉट जोन से, लेकिन यहां पर कहीं फ्लैटन होता हुआ दिखाई दे रहा है 50 पॉइंट्स के आसपास ही, यानी कि वापस से एक जो एक कंसोलिडेशन मोड आया है। ये एक बेस बना है, किसका बेस बना है, इस तेजी का। इस तेजी के बाद में कूल ऑफ हुआ है, यहां पर बेस बनाया और यहां से फर्दर ऊपर की तरफ जा सकता है। स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन है, हालांकि ये पूरा सेक्टर जो है स्टील सेक्टर, ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, यानी कि कोई भी अगर ग्लोबल न्यूज ऐसी आती है जो निगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ हो, वो
कारोबार में इंपैक्ट डाले ना या डाले, लेकिन स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को हमेशा हिला के जाती है। तो देखिए स्टॉक प्राइस आ सकता है फर्दर नीचे अगर कोई चाइना से ऐसी न्यूज निकल के आती है कि वो और भी ज्यादा वहां पर कुछ रेट्स को लेके स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर बहुत पॉजिटिविटी यहां से बनती हुई दिखाई दे रही है और एक ब्रेकआउट इसके अंदर आ सकता है अगर ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को यानी कि 772 रुपए को क्रॉस करे, जो मुझे लगता है शायद आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आपको क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर देखिए ये स्टॉक गिरता भी है तो भी मैं इन स्टॉक को जेएसडब्ल्यू स्टील को उस कैटेगरी में रखूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं बाय ऑन डिप्स, यानी कि जितना ये गिरे उतना आप बाय कीजिए, एक लोअर वैल्यू बनाइए, लोअर एवरेज बनाइए अपने पोर्टफोलियो में। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप होल्ड करके रखते हैं इस स्टॉक को तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये स्टॉक बहुत बड़े रिटर्न दे सकता है। ये मैं देखता हूं कि 2021 खत्म होने से पहले आपको 1000 रुपीज के प्राइसेस जरूर दिखा सकता है, इतना पोटेंशियल इसके अंदर है। तो ओवरऑल आप भी स्टडी कीजिए, अगर आपको स्टील सेक्टर के अंदर पैसे लगाने हैं तो टाटा स्टील के बाद में जेएसडब्ल्यू स्टील एक बहुत अच्छा स्टॉक आपके लिए रह सकता है। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने टेन स्टॉक्स को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बराबर में दिया बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आप मेरी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।